22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और मेरे साथ हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे जी। इनसे जानेंगे चुनाव का हालचाल। क्या हालचाल है चुनाव में? गठबंधन के पक्ष में हवा नहीं बल्कि तूफान है। जहां कहीं भी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जाते हैं, हजारों हजार की भीड़ न सिर्फ देखने के लिए बल्कि सुनने के लिए भीड़ लग जाती है। यह इस बात को परिलक्षित करता है कि बिहार में 400 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होगा। एक सवाल आपके जो जहन में है कि भारत माता क्यों दुखी है? भारत माता को दुख इस बात के लिए है, पहले भारत माता यह समझती थी कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, लेकिन भारत माता अब समझने लगी है कि अब भारत का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आरएसएस और भाजपा का यह प्रधानमंत्री बन गया है। इसकी राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि नागपुर है। या किसान का प्रधानमंत्री नहीं, मजदूर का प्रधानमंत्री नहीं, नौजवान का प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि यह बन गया है गोलवलकर और गोडसे के विचार को फैलाने वाला यह प्रधानमंत्री। इसके लेकर के भारत माता को बहुत अधिक तकलीफ है, दुखी है भारत माता। और हम लोगों से भारत माता पुकार करके कह रही है कि ऐसे प्रधानमंत्री को तुम लोग बदलो। हम लोग भारत माता से पूछते हैं कि बदलेंगे कैसे? अरे ना समझ कैसे बदलेंगे, लालू यादव तो है नहीं बाहर। ना समझ, तुम नहीं समझता है। ये पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं है, लेकिन भारत के लोग समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा है और दर्शन है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कथक, जो रियल भारत है, यहाँ पर दलित है, पिछड़ा है, अकलियत है, गरीब लोग है, उसके दिल में लालू प्रसाद यादव इस ढंग से समाया हुआ है कि लाख साजिश करने के बाद लालू प्रसाद उनके दिल से बाहर नहीं हो रहे हैं। और भारत माता जी, अब आपको दुखी होने का प्रश्न नहीं उठता है। 2019 का जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसमें सफाया हो जाएगा आरएसएस भाजपा का। लालू यादव पर तगड़ा पहरा बिठा दिया है सरकार ने, अब वो किसी से मिल नहीं सकते। फिर आप लोग कभी खल नहीं रही है कि कैसे निर्देश लेंगे? यही माने कमी तो खल ही रही है, लेकिन अफसोस हो रहा है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस जेल मेल्यूअर का खुलम खुला अपमानना आरएसएस भाजपा के द्वारा हो रहा है। और लालू प्रसाद यादव को, लालू प्रसाद एक पॉलिटिकल लीडर हैं और लालू प्रसाद यादव से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे अमानवीय क्रूर व्यवहार जो आरएसएस और भाजपा का है नहीं हो सकता है। और हम लोग यह महसूस कर लिए कि साहब महात्मा गांधी की हत्या करने वाला यह व्यक्ति किसी भी विचारधारा इसके दिमाग में है कि लालू प्रसाद यादव को जितना यातना दोगे उतना ही मतलब कि इसका विचारधारा समाप्त हो जाएगा। कभी मुद्दा नहीं इस बात को बना पाए कि लालू यादव इतना बड़ा नेता है, सप्ताह में एक दिन केवल 3 लोगों से मिलने की आज़ादी है, ये किस कानून के तहत है? मुद्दा हम लोगों ने बनाया नहीं बना पाए। नहीं, मुद्दा हम लोगों ने बनाया और आज पूरे बिहार में आक्रोश है कि लालू प्रसाद यादव को साजिश के तहत जेल में बंद कर दिया है। आक्रोश इस बात के लिए है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मिलने नहीं दिया गया। आक्रोश इस बात के लिए भी है कि अब लालू प्रसाद यादव शनिवार को भी किसी से नहीं मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं संशय बिहार के लोगों में है कि सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के प्रणेता को कहीं ना कहीं जान से मारने की साजिश आरएसएस भाजपा की चल रही है। लेकिन लोग महसूस करते हैं कि उनके विचारधारा को तुम नहीं ख़त्म कर सकते हो और उसके विचारधारा को विरासत के लिए के रूप में अंगीकार करते हुए बढ़ाने का काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। लालू यादव को कुछ अगर जेल में, भगवान न करे कुछ हो, लेकिन हो जाता, जैसे कि आप आशंका जता रहे हैं कि उनकी सेहत का ठीक से इलाज नहीं, उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, जहर देकर मारने की साजिश हो रही है, क्या होगा बिहार में? देखिए, हम लोग बिहार में बहुत, एक तो हम लोगों को ईश्वर पर विश्वास है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए काम करता है उसको ईश्वर के द्वारा भी, ईश्वर की कृपा उनको मिलती है। इसलिए लालू प्रसाद यादव को दैहिक रूप से भले ही तुम यातना दो, लेकिन लालू प्रसाद यादव
स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में निकलेंगे। हम लोगों को पूरा भरोसा बिहार माने कानून पर है और पूरा भरोसा हम लोगों को भगवान और लोगों का जो आशीर्वाद लालू प्रसाद यादव को मिल रहा है, वह लालू प्रसाद यह देखना चाहते हैं कि बिहार के 400 सीट पर जैसे हम लोग जेल में नारा लगाते थे जेल फाटक पर कि लालू याद जेल का फाटक टूटेगा लालू यादव छूटेंगे। आप ऐसे विद्वान पत्रकार ने हमसे पूछा कि प्रोफेसर साहब तीन तीन ताला लगा हुआ है कैसे टूटेगा, तो आपने सिकान में हमको उपाय बताया उपाय कि संसदीय लोकतंत्र में वोट के द्वारा 400 पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं तो यह अलीगढ़ी ताला स्वतः टूट जाएगा और लालू प्रसाद यादव आपके बीच में होंगे। तो हम लोग लालू प्रसाद यादव को जेल से निकालने के लिए, जेल के फाटक को तोड़ने के लिए संसदीय लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा वोट का अधिकार है उसका इस्तेमाल कर आरएसएस भाजपा का सफाया बिहार से कर। आप 400 सीट जीतने की बात कर रहे हैं और आपके लोग ही, आपके महागठबंधन के लोग ही अपने ही उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को हराने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बेगूसराय में कन्हैया कुमार, दूसरी तरफ आप देखिए मधुबनी में कई बागी हैं, सुपौल में रजिता रंजन के खिलाफ आरजेडी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आप कैसे जीतेंगे 400 से? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज प्रेस वार्ता में स्पष्ट कहा कि बागी का कोई संज्ञान बिहार की जनता नहीं ले रही है, बिहार की जनता के आंख के सामने महागठबंधन का उम्मीदवार है, बागी स्टैंड्स नो वेयर इन दिस चुनाव। शरद यादव तीसरे स्थान पर चले गए हैं सर, पप्पू यादव और जेडीयू के बीच लड़ाई होगी। आप लोग अब देख लीजिए ना, जैसे चुनाव का रिजल्ट निकलेगा तो शरद यादव सबसे ऊपर रहेंगे। रजिता को हराएंगे कि जिताएंगे? भाई आप कह रहे हैं भाई, हम महागठबंधन के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। अब बेगूसराय में महागठबंधन के जो हमारे तनवीर हसन साहब हैं, जो पिछले दफे सबसे ज़्यादा वोट लहर में आज तनवीर हसन साहब के साथ सभी तबके के लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, वे जीतने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार खेलने बिगड़ेंगे? वादा कि महागठबंधन के सामने जो भी होगा इसके विरोध में कोई खेल नहीं बिगाड़ सकता है। महागठबंधन का यह प्रभाव बिहार की जनता और हिंदुस्तान की जनता पर है। तो जेल का फाटक टूटेगा लालू यादव छूटेगा, ये नारा है आरजेडी का, और ये जेल का फाटक तभी टूटेगा, ये अलीगढ़ ताला तभी टूटेगा जब जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। आपको रामचंद्र पुरोहित के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।